जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अप्रैल 2022 के उन स्टूडेंट्स की जो एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स की। थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि NIOS ग्रेस मार्क्स देने जा रहे हैं क्या NIOS के स्टूडेंट्स को, और अगर देने जा रहे हैं तो किस आधार पर देने जा रहा है और कैसे ये ग्रेस मार्क दिए जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में क्यों ग्रेस मार्क्स की बात करी जा रही है यहाँ पर, ऐसी क्या समस्याएं उत्पन्न हुई है जिसके कारण से जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज जो हम इस पूरे वीडियो में बात करने जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि चाहे गलती किसी की भी हो, किसी भी सिस्टम की हो या फिर NIOS की हो, स्टडी सेंटर की हो, लेकिन इसमें पूरी तरीके से घाटा जो उठाना पड़ रहा है वो NIOS के हमारे स्टूडेंट्स को उठाना पड़ रहा है। तो मेरे जितने भी NIOS के स्टूडेंट्स हैं, आज ये वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको भी समझ आ सके क्या समस्याएं थी और समस्याओं का कैसे हल मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट, और ये चैनल है आपका VCIC गुरु जी। इस चैनल को इतने कम समय में इतना बहुचर्चित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विश्वास इसी तरीके से मैं बनाए रखूं और अपनी जिम्मेदारी जो आपको NIOS की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाऊं, ऑथेंटिक न्यूज आप तक पहुंचाऊं, ये मेरे चैनल का उद्देश्य है और इसको मैं भली भांति पूर्ण करता रहूं, ऐसे मैं ईश्वर से इच्छा करता हूं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पर आपके उस समस्या को लेकर जो NIOS ने उत्पन्न करी है 2022 के एग्जाम्स को लेकर। सबसे पहले तो बात करते हैं ऐसी क्या समस्याएं रही जिनको जो है स्टूडेंट को बहुत ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। सबसे पहली समस्या रही है बुक्स को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे NIOS के ऐसे हैं जिनको बुक्स नहीं मिली है। चाहे NIOS कितना भी दावा कर दे कि हमने अपने सभी स्टूडेंट्स को बुक्स मिली है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा ताकि उन लोगों को ये जरूर पता चल सके कि इन बच्चों को जो है बुक्स नहीं मिली है, और या फिर अगर बुक्स मिली भी है तो पूर्ण रूप से नहीं मिली है, 5 सब्जेक्ट की बजाय 3 सब्जेक्ट की मिली है या 4 की मिली है, और किसी किसी का तो ऐसा हुआ है कि मीडियम ही अलग आया है, किसी ने अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ा था तो उसको हिंदी मीडियम की बुक्स आई है, या फिर किसी के सब्जेक्ट ही चेंज है। तो अगर ऐसे आप में से भी कोई ऐसे स्टूडेंट रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखिए, क्योंकि ये वीडियो में आज मैं सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, शेयर भी करनी है हम लोगों को ताकि जो है ऊपर तक थोड़ी सी बात पहुंच सके आपकी, और कहीं ना कहीं पे जो कुछ प्रमुख YouTube चैनल्स होते हैं उनको देखा जाता है, समझा जाता है, एनालाइज करा जाता है, उसके बेसिस पे भी कहीं ना कहीं पे वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो अगर समस्याएं आप बताएंगे नहीं तो फिर तब तक उनको पता भी नहीं चलेगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर जो समस्या रही वो इस बार रहे NIOS के एग्जाम्स आवर्स को लेकर। जी हाँ, 3 घंटे का अगर पेपर होता है तो ये स्टूडेंट का हक बनता है कि उसको 3 घंटे का पेपर मिलना चाहिए। अगर 2:30 बजे का टाइम है, 2:30 पे पेपर को देना होता है और 5:30 बजे लेना होता है, और किसी कारणवश अगर स्टडी सेंटर अपने बच्चों को लेट जो है क्वेश्चन पेपर बांटता है तो जितना लेट वो बांट रहा है उतना उसको हावर्स बढ़ा देने चाहिए स्टूडेंट्स को, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि इस तरीके से देखा जा रहा है कई स्टडी सेंटर में 3:30 बजे 4 बजे वो पेपर जो है बच्चों तक पहुंच रहा है हॉल में, और उसके बाद 5:30 बजे ठीक उनसे ले दिया जा रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल ना इंसाफी हो गई कि एक तरफ तो अपने स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं दी, बेचारा ये पढ़ाई अधूरी रह गई, वो उस तरीके से प्रिपरेशन कर ही नहीं पाया, हमसे भी बहुत रिक्वेस्ट करी, हम भी उनको यही बोलते रहे कि वेट करिए बुक्स आपकी आएंगी, लेकिन अंतिम क्षणों तक जो है NIOS ने इस तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लिया कि उन बच्चों तक पहुंच सके जिन बच्चों का जो है बुक्स उनको आए, और अगर अब आ भी जाती है तो उनके लिए वो जो है किसी काम की नहीं। दूसरा चीज यहाँ पर देखा गया कि NIOS ने इस बार ये कराया कि भाई क्वेश्चन पेपर जो है 2 बजे जो है ऑनलाइन आएगा, फिर उसे अपना जो है AI सेंटर ID खोल के उसको डाउनलोड करेगा, फिर प्रिंट आउट करेगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कई स्टडी सेंटर इतने भी मतलब कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी समय से जो है 2:30 बजे क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करें, किसी भी कारण से या तो साइट क्रैश हो जा रही है उस वक्त और वो जो है डाउनलोड करने में ही टाइम लग जा रहा है, तो ऐसे समय में देखा गया है कि क्वेश्चन पेपर लेट मिल रहा है। अब लेट मिल रहा है तो फिर उनसे लेट लेना चाहिए, लेकिन जल्दी ले रहे हैं, अब जल्दी ले रहे हैं तो इसमें पूरी तरीके से नुकसान किसका, NIOS के स्टूडेंट्स का। जो एक दूसरे वीडियो में मैंने बात करी थी कई स्टडी सेंटर्स में 3 से 5 हजार रुपए चार्ज करे जा रहे हैं
चीटिंग कराने के लिए या फिर जो है आपको बताने के लिए, वो तो एक और समस्या है। चलिए वो तो ऑप्शनल है कि आपको लेना है नहीं लेना है। जो लोग सक्षम है वो पैसे दे के ले भी रहे हैं और जो लोग सक्षम नहीं है वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। हमारा भी कहना यह है कि अगर आप अपनी मेहनत से पास होते हो तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेस की, कि ग्रेस को लेकर यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, अगर आपको कहीं पे भी सोशल मीडिया में किसी भी माध्यम से ये बताया जा रहा है कि एनआईओएस आपको ग्रेस देगा, तो सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, एनआईओएस ने अभी तक कोई भी ऐसी ऑथेंटिक नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन जारी नहीं करी है कि हम अपने एनआईओएस बोर्ड के 2022 अप्रैल वाले स्टूडेंट्स को ग्रेस देंगे। जी हाँ, ये बहुत ही दुख दर्द है, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं उन सब स्टूडेंट्स को जानता हूँ, उनसे डायरेक्टली जुड़ा हूँ। जो लोग एग्जाम इस बार दे रहे हैं उनका पीड़ा और उनकी दुख को इस पर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि सुनता कोई नहीं है एनओएस वालों की। वो बार 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 अगर अपनी बात रखते भी है तो उनकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है और थक हार के स्टूडेंट जो है साइड में बैठ जाता है, चाहे उसकी समस्या कितनी भी जेन्युइन हो। तो यहाँ पर मैं देखा जा रहा है कि एनओएस के स्टूडेंट्स की कोई बात सुनने वाला नहीं है, सिर्फ एक माध्यम रह गए हम लोग, जिसमें आप थोड़ा बहुत अगर अपना कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि ऊपर तक ये बात चली जाए। अगर आप शेयर्स भी करते हो इन वीडियो को तो बहुत सारे अधिकारी भी हैं जो इसको देखते हैं। तो आपका दो जो है कर्तव्य यहाँ पे बनता है कि एक तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी जरूर लिखिए और दूसरा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने में कोई किसी का चार्ज नहीं लगता है, लेकिन शेयर करने से ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट तक ये पहुंच जाता है और ऊपर तक आपकी बहुत पहुंचती है, क्योंकि अभी तक जो ग्रेस की बात नहीं हुई है तो हम चाह रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट्स को ग्रेस दिया जाए। जी हाँ, इस आधार पे दिया जाए कि उनको बुक्स भी समय पे उपलब्ध नहीं हुई और साथ साथ में ये जो क्वेश्चन पेपर लेट आने का एक बहुत सारे स्टडी सेंटर में हुआ है, उनको लेकर जो है उनको ग्रेस दिया जाए, और ग्रेस दिया जाए या फिर इस तरीके से लीनियंट मार्किंग करी जाए कि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है अपने इस 10th और 12th को क्वालिफाई कर सके। हमारी विनती है एनआईएस के सभी अधिकारियों से या एनआईएस के स्टाफ से कि इस समस्या को समझिए, इस बच्चे की परेशानी को समझिए, उसका दर्द समझिए कि वो किस तरीके से जो है तैयारी करके जाए और कैसे वो वहां पर एग्जाम दे रहे। अच्छा, कुछ सुकून भरे कमेंट्स भी मेरे को पिछले वीडियो में मिले हैं। उन्होंने लिखा है कि सर हमारे स्टडी सेंटर में तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, ना ही कोई पैसा मांगा जा रहा है और ना ही कोई चीटिंग हो रही है, बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे रूल चल रहा है और बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ जी हाँ बिल्कुल, आप लकी हो कि आपका सेंटर ऐसी जगह में पड़ा है जहां पर जो है इस तरीके का कोई भी वाक्य नहीं हो रहा है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती है। सारे स्टडी सेंटर को हमने कभी भी नहीं बोला कि सारे स्टडी सेंटर जो है इस तरीके से कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कुछ स्टडी सेंटर है जो एक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे स्टडी सेंटर में चीटिंग नहीं हो रही है और बहुत स्ट्रिक्टली हो रही है, तो ऑल ओवर इंडिया में ऐसे ही चल रहा है, तो ये नहीं है, कहानी कुछ और ही है। उन बच्चों को देखिए जिन्होंने कमेंट करे थे पिछले वीडियोस में, किस तरीके से उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो है ये समस्याएं हो रही है, हमारे स्टडी सेंटर में इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, बकायदा स्टडी सेंटर के नाम भी दिए हैं उन्होंने कि ये जो है एग्जाम सेंटर्स हैं जो हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं और तब जो है हमारा एग्जाम कराए जा रहे हैं। और साथ साथ में इस साल एक और समस्या बच्चों के साथ उत्पन्न हुई है कि बच्चे जो है बहुत दूर 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर जो है 50 किलोमीटर उनके घर से एग्जाम सेंटर को अलॉट किया गया है, जो एक अपने आप में समस्या और भी थी। और ये समस्याएं और बढ़ने के बाद ये पूरा सेशन एक दूध भरा सेशन हो गया अप्रैल 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पर कि किसी तरीके से इन बच्चों को मदद मिल सके, इनकी जो भी एग्जाम्स इन्होंने किसी तरीके से भी हैंडल करके दिए हैं, अब एनआईओएस बोर्ड कुछ ऐसा करे कि इनके फेवर में कुछ ऐसा डिसीजन लेकर आए ताकि जो है इनकी जो भी परेशानियां हुई हैं, चाहे वो सिस्टम की गलती की वजह से हुई है, एनआईएस की गलती की वजह से हुई है, लेकिन इसको सुधारा जाए और इन बच्चों को किसी तरीके से लीनियंट मार्किंग करके क्वालिफाई किया जाए, या फिर ग्रेस का अगर आप लेकर आते हैं तो ग्रेस दिया जाए। लेकिन अभी तक कोई बात ऐसी हुई नहीं है, अभी हम बात उठा रहे हैं यहाँ पे, अपनी बात को आगे पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ डिसीजन स्टूडेंट के फेवर में एनआईओएस जरूर लेगा, ऐसी आशा मैं करता हूँ। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए वीसीआईसी गुरुजी में। किसी को कोई भी तैयारी करनी है तो अपना हमारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनआईओएस सक्सेस मंत्रा कोर्स, या फिर आप जो है हमारे मॉडल पेपर सेट को ले सकते हैं, हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको वो उपलब्ध कराएंगे। उसका एक नॉमिनल चार्ज होता है जो आपको पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन आपको सारी चीजें आपके मोबाइल पे दे दी जाती है।
तो आगे भी इसी तरीके का वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।